हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का टूर देने वाली हूँ, जो कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपकी फ्लाइट यहाँ पे आने वाली है या फिर आप यहाँ से फ्लाइट लेने वाले हैं, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। पहले तो मैं थोड़ा एयरपोर्ट के बारे में बता देती हूँ। पोर्ट ब्लेयर में एक ही एयरपोर्ट है जो कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर को सम्मानित करने के लिए इसका नाम दिया गया था। यहाँ पे एक ही टर्मिनल है, कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है। मतलब आपको फैसिलिटी सारी मिलेंगी, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग एयरपोर्ट लाइक दिल्ली या मुंबई और समथिंग। वीर सावरकर जी ने कुछ 10 साल प्रिजन में बिताए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड ये काफ़ी फेमस हैं क्योंकि इन्होंने सेलर जेल में इनको अनजस्टली रखा गया था। बट मतलब इवन दो वहाँ पे रखे गए थे, इनका स्पिरिट बिल्कुल नहीं टूटी थी। तो या तो जो ये पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्लाइट्स मिलेंगी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गो एयर, सब यहाँ पे चलती हैं। यहाँ पे एक ही टर्मिनल है जो कि कुछ 400 पैसेंजर्स एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, एंड जो भी एयर ट्रैफिक ऑपरेशन है वो इंडियन नेवी हैंडल करती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जनरली एक्चुअली फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। मैं बहुत ही संभल के ले रही थी कि कोई भी सिक्योरिटी का चीज़ मैं वीडियो में ना लूँ, और वो मैं दिखाऊंगी भी नहीं आपको। जस्ट लाइक व्हाट यू नीड टू सी कि बैगेज क्लेम किधर है, बस यही सब। जो एयरपोर्ट है वो सिटी सेंटर से काफ़ी पास में है, एक्चुअली कुछ 5 किलोमीटर ही दूर है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप 5-10 मिनट में पहुँच सकते हैं, एंड यही एरिया में इसके पास ही आपको सारे मेजर अट्रैक्शन मिल जाएंगे, लाइक सेलुलर जेल आपका, एंड कॉर्बिन कोव बीच, एंड बहुत सारी चीज़ें, और नेवल म्यूज़ियम वगैरह। चिड़िया टापू ऑपोजिट एंड पे पड़ता है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको कैब या फिर कुछ स्कूटी या वगैरह लेनी पड़ेगी, एंड आपको कुछ 1 घंटा लग जाएगा। अब आते हैं एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में। तो ऑफकोर्स यहाँ पे टॉयलेट्स आपको हर जगह अवेलेबल हैं। टॉयलेट्स क्लीन हैं, स्पेशियस हैं, एंड काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन्ड हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी केयर रूम्स भी मिल जाएंगे जो कि डिपार्चर वाले एरिया में ईजिली अवेलेबल हैं। यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर भी है, तो अगर आपको कुछ मिलता है तो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर भी है, जहाँ पे आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है अंडमान के बारे में, प्लान करना है, कुछ ट्रिप प्लान करनी है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे काउंटर चेक इन पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ पे आप अपनी एयरलाइन देख के चेक इन कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट आपको अपना बैग जो है वो स्कैन करना होगा एक्सरे से, एंड अगर कुछ भी दिखा तो वो पूछेंगे आपसे। एंड वंस दे हैव स्कैन द बैग, वो उस पर एक लॉक सा लगा देंगे ताकि आप कुछ भी उसके अंदर ऐड ना कर सके चेक इन बैग के अंदर। फिर अगर आपका ओवरवेट होता है बैग या कुछ होता है, तो अगेन आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा तो आपको एक्सेस बैग निकाल के फिर दोबारा एक्सरे के थ्रू अपना बैग डालना पड़ेगा, एंड देन अगेन वो उसको बंद करेंगे इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़े से फूड जॉइंट्स भी मिल जाएंगे, बट सुपर सुपर एक्सपेंसिव, स्पेशली जब आप सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर जाएंगे उसके अंदर। तो मैं बिल्कुल कोई एडवाइस नहीं करूँगी कि आप कुछ भी खरीदें, क्योंकि बहुत महंगा होता है खाना और पीना। बाहर डिपार्चर हॉल में जब तक आप बैठे हैं तब तक आप फिर भी वहाँ के छोटे से शॉप से कुछ ले सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ स्टिल मोर रीजनेबल। बट वंस यू क्रॉस सिक्योरिटी चेक एरिया तो भूल जाओ, फिर तो आप मत ही खरीदना। बट अगर आपको खरीदना है तो अवेलेबल है ऑप्शन। अगर आपको कैश चाहिए तो यहाँ पर ATMs भी अवेलेबल हैं। ये जनरली आपको डिपार्चर वाले एरिया में मिल जाएंगे ATMs, मतलब डिपार्चर हॉल वाले एरिया में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ATMs मिलेंगे, ICICI, HDFC वगैरह हैं, तो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे रिटायरिंग रूम्स अवेलेबल हैं, बट मुझे एज सच कहीं दिखे नहीं थे, तो इट वुड बी बेटर कि आप एक बार कॉल करके पूछ लें। पर उनके वेबसाइट पे, मतलब मैंने लिंक नीचे दे दिया है जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयरपोर्ट की, वहाँ पे मेंशनड है कि यहाँ पे रिटायरिंग रूम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ पर बेड कॉस्ट करेगा फॉर अ डे, एंड 1500 रुपीज़ फॉर अ होल रूम। यहाँ पे 4 डबल रूम्स हैं, तो प्लीज़ देखिएगा। जनरली ये डिपार्चर एरिया में है, तो वहीं पे चेक कीजिएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे बैगेज ट्रॉलीज भी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपना लगेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क्स भी हैं, तो आप पानी पी सकते हैं, पानी फिल कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं, तो अगर आपको थोड़ी शॉपिंग करनी है तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है, 2-3 गिनी चुनी शॉप्स हैं, तो देख लीजिएगा। एंड अंडमान हैंडक्राफ्ट्स की भी शॉप है यहाँ पे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं कुछ सामान। एंड लगेज स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप
आप वो डिपार्चर वाले एरिया में ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होगा। मोबाइल चार्जिंग आपको दोनों एरिया में मिल जाएगी, सब जगह अवेलेबल है। एंड यहाँ पे लाउंजेस, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट कैसे पहुँचें या एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलें। तो यहाँ पे आप अगर आप अराइव कर रहे हैं तो अराइवल हॉल में के बाद जब आप बैगेज क्लेम कर लेंगे उसके जस्ट एग्जिट से पहले आपको प्रीपेड टैक्सी का बूथ मिलेगा, आप वहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, हमारे 15 मिनट की जर्नी के लिए हमको 250 INR पे करना था फॉर अ टवेरा, एसी टवेरा जो चार लोगों में डिवाइडेड थे, तो वेरी रीजनेबल। एंड प्लस 50-60 रुपीज़ वॉज दी पार्किंग चार्जेस जो सेपरेटली पे करने थे। उसके बाद हमने यही ड्राइवर को मोस्ट ऑफ द जगह बुला लिया था क्योंकि ही वॉज वेरी गुड ऑल्सो। मैं उनका नंबर नीचे लिख दूंगी, उनका नाम दीपक है एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग, मतलब बिल्कुल ऐसा घपला वपला नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं एंड ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड पोलाइट ऑल्सो। तो अगर आप अपनी ट्रिप करना चाहते हैं, आपको पोर्ट ब्लेयर में जगह जगह घूमना है कैब से, देन यू कैन रीच आउट टू। यहाँ से आप बस भी ले सकते हैं बट बस स्टॉप जो है वो 1-2 किलोमीटर दूर है, तो आई वुडंट रिकमेंड, स्पेशली क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में बहुत गर्मी होती है दोपहर में, तो प्लीज़ मत कीजिएगा, कैब ही लेके जाइएगा, इट्स बेटर दैट वे। एंड एक बार आप सिटी के अंदर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे ऑटोज़ वगैरह तो मिल ही जाएंगे आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो नॉट एन इशू। एंड आप स्कूटी वगैरह भी हायर कर सकते हैं, चार्जेस होते हैं 500-700 पर डे टाइप्स, तो वेरी रीजनेबल। तो या बट एयरपोर्ट अगर पहुँचना भी है आपको तो आप अपने होटल से बात कर सकते हैं, यही 250-300 रुपये के अराउंड, अगर आप उसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ मतलब सेल्युलर जेल के अराउंड वाले एरिया में रह रहे हैं तो इतना कॉस्ट करेगा। अगर आप चिड़िया टापू के साइड पे रह रहे हैं तो आपको अराउंड 1500 रुपये चार्ज कर लेंगे वो, क्योंकि दैट इज़ लाइक आई सेड 50-60 किलोमीटर्स अवे, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। बट दैट्स ऑल। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन जानना है तो। ओके, बाई।